देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं और नफरती चिंटू उनके इस काम पर पूरी तरह से पानी फेर रहे हैं और विदेशी मेहमानों का किस तरह से स्वागत कर रहे हैं और उनके सामने कैसे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और उन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। ये तस्वीरें जब आप देखेंगे तो इन नफरती चिंटुओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग जरूर करेंगे। आपको सबसे पहले मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूं और जो वीडियो आपको दिखाने वाला हूं उसमें आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। ये दो लड़कियां हैं जो कोरिया से भारत आई हैं, भारत घूमने के लिए, भारत की खूबसूरती को देखने के लिए, भारत के ऐतिहासिक धरोहरों को निहारने के लिए। और खासतौर से जब ये मेरठ पहुंची, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पहुंची, बड़ी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का दौरा करने के लिए जब ये विदेशी दो लड़कियां पहुंची हैं, उसके बाद क्या कुछ हुआ है और इन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया, इनको कहा गया कि ये अपने धर्म का प्रचार कर रही थी और इनके सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए, कहा गया यहां बस राम है, जबकि इन महिलाओं का, इन लड़कियों का मकसद क्या था वो जाने बिना, उसको समझे बिना इनके सामने इस तरह की बातें कही गई। ये वो लड़कियां हैं जो इस जबान को भी नहीं जानती जिस जबान में ये नारे लगाए जा रहे हैं और इनसे कहा जा रहा है कि आप यहां किसके साथ आई हैं, आपके साथ कौन है। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। अब विदेशी मेहमानों के साथ भी इस तरह का बर्ताव होने लगा है हमारे देश भारत में, और ये कोई और नहीं कर रहा है, ये नफरती चिंटू कर रहे हैं जिनके दिमाग में अब ये नफरत पनप चुकी है कि मुसलमान ईसाई अपने धर्म की तरफ लोगों को लेकर आ रहे हैं और धर्म परिवर्तन हो रहा है। यह नफरत का एक पूरा नंगा नाच है जिसके जरिए अब विदेशों में भी भारत की छवि को खराब करने की कोशिश इन नफरती चिंटुओं के जरिए की जा रही है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं हम भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं, लेकिन ये नफरती चिंटू क्या कर रहे हैं, इन पर रोक क्यों नहीं लग रही है। पहले मैं वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद बातचीत करेंगे। कौन है साथ में आपके? हेलो, आपके साथ में है यहाँ कोई? साथ में है कोई? यहाँ कोई साथ में आया यहाँ? आपका मकसद क्या है ये बताओ। आप इस बार है ना राम है बस, और कोई ईश्वर नहीं है। ये यहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज है जो इधर आना चाह रहे हैं, गलत बात है। हाँ मैडम, क्या मकसद है आपके यहाँ आने का ये बताओ। नहीं बस, तो ये जो वीडियो आपने अभी देखा, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की, ये मेरठ का विश्वविद्यालय है, इसमें जब ये कोरियन लड़कियां घूमने के लिए पहुंची और यूनिवर्सिटी को देखने के लिए पहुंची तो यहां कुछ छात्रों ने इनको घेर लिया। ये नफरती छात्र हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ये नफरती छात्र इन लड़कियों के चारों तरफ फैल गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे, इन लड़कियों को किस तरह से परेशान करने लगे और इनसे पता करने लगे, पूछने लगे कि ये किसके साथ आई हैं, इनको कौन लाया है। धर्म परिवर्तन का सीधा आरोप लगा दिया, ना जान ना पहचान, ना ही इनके बारे में पता किया और ना ये समझा कि ये क्यों आई हैं। उसके फौरन बाद धर्म परिवर्तन का सीधा आरोप इन लड़कियों पर लगा दिया, जो कि ना इनकी भाषा समझती हैं, ना इनके मकसद को समझ पा रही हैं कि आखिर ये नफरती चिंटू चाहते क्या हैं। लेकिन एक बात तो साफ हो जाती है, इन नफरती चिंटुओं का कोई इलाज नहीं है। अब विदेशों में भी ये भारत की बदनामी का सबब बनते जा रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि अब बयानबाजी रुकनी चाहिए, ईसाइयों के बीच जाइए, बैठिए, उनसे बात कीजिए, लेकिन इन नफरती चिंटुओं पर अब रोक नहीं लग सकती क्योंकि ये बयान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया वो बहुत पहले देना चाहिए था और उसके बाद जो भी मामले सामने आए देश में उन पर कार्रवाई होनी जरूरी थी, मगर अब ये नफरत पूरी तरह से खुद में एक ताकतवर हथियार बन चुकी है, अब इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का भी असर नहीं हो रहा है और किस तरह से इन दो महिलाओं को टारगेट किया गया और इन पर आरोप लगाए गए कि ये धर्म परिवर्तन करा रही थी। अब मैं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या रुख है वो आपको पढ़कर बताता हूं और वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं जो पुलिस ने किया है। मेरठ पुलिस, कुछ विदेशी युवतियां
विश्वविद्यालय घूमने आई थी। कुछ युवकों के द्वारा जानबूझकर उनसे उनके बारे में और उनके धर्म के बारे में पूछा गया और उसका वीडियो बनाया गया। कुछ लोगों के द्वारा इस वीडियो को इस तरह से दुष्प्रचारित किया गया जैसे कि वे धर्म का प्रचार कर रही हो। संबंधित घटना जिसमें कि धर्म का प्रचार बताया जा रहा है पूरी तरह से गलत है। वो तो भला हो मेरठ पुलिस का कि मेरठ पुलिस ने वक्त रहते इस मामले पर खंडन कर दिया और इस मामले पर अपना बयान जारी कर दिया। और यह तब हुआ जब इस पूरे मामले की और पूरी घटना की सूचना मेरठ पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। इन युवतियों को, इन लड़कियों को ले जाया गया थाने, इनसे जांच की गई, इनसे पूछताछ की गई और उस पूछताछ में जो कुछ सच सामने आया उसे मेरठ पुलिस ने तुरंत ट्वीट करके लोगों तक पहुंचा दिया और इन लोगों को पूरी तरह से गलत बताया जिन्होंने ये नफरत फैलाई है और जिन्होंने इन युवतियों के खिलाफ, इन लड़कियों के खिलाफ ये पूरा माहौल बनाया, उनको पुलिस ने पूरी तरह से गलत ठहराया है। लेकिन पूरे मामले की सूचना जब पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और उन युवतियों को थाने लेकर गए, वहां उनसे पूछताछ की गई। अब आप यहां से समझिए कि यह कैसा एक पूरा प्रोपेगेंडा है और किस तरह से ईसाई मिशनरी इसको बताया जा रहा था और यह भी कहा जा रहा था उन लड़कों के जरिए, उन छात्रों के जरिए जिनको मैं नफरती चिंटू कह रहा हूं, कि ये अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और उनसे यह कहा जा रहा है कि यहां बस राम है, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। अब आप बताइए कि वहां जय श्री राम के नारों का क्या मकसद है? क्या उन लड़कियों को कुछ समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं? क्या वो लड़कियां आपका मकसद समझ पा रही हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन नहीं, आपको तो नफरत का कारोबार करना है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि भारत की छवि विदेशों में क्या बनेगी। आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप तो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि आप नफरत को आम करिए और आपको यह बात मालूम है कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेरठ पुलिस ने जहां अपना यह ट्वीट किया है वहीं इस पूरे मामले पर एक ट्वीट आपको नीचे नजर आएगा। पीटर शर्मा नाम का ये व्यक्ति है जिसने ये ट्वीट किया। वो तो ठीक है, किसी को अरेस्ट किया साइबर सेल के साथ मिलकर, कोई जांच करी, आरोपी लड़के का क्या हुआ? ये तो हमें भी वीडियो देखकर पता लग गया कि सिविलियंस को आपने क्या कार्रवाई करी, ये बताइए। जहां मेरठ पुलिस ने इस पूरे मामले पर अपना ट्वीट किया, इस पूरे मामले का खंडन किया और इसको गलत बताया पूरी तरह से, लेकिन उसी के नीचे का ट्वीट बताता है, रिप्लाई बताता है कि मेरठ पुलिस पर भी एक सवाल उठा। मेरठ पुलिस से सवाल यह किया जा रहा है कि क्या आपने जिस तरह इस पूरे मामले पर खंडन किया, उन युवतियों से जांच की, उनसे पता किया, क्या आपने उन लड़कों पर कोई कार्रवाई की कि जिन लड़कों ने इन युवतियों के साथ बदसलूकी की और भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की और ये युवतियां जब यहां से अपने देश जाएंगी तो क्या मैसेज लेकर जाएंगी और क्या पैगाम लेकर जाएंगी और वहां हमारे देश की छवि क्या बनेगी? क्या आपने इन लड़कों पर कोई धारा लगाकर इनमें से किसी को अरेस्ट किया? क्या आपने ऐसा कुछ किया? ये पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल जायज भी हैं। इन सवालों का उठना बिल्कुल जायज है क्योंकि पुलिस जिस तरह से उन युवतियों को लेकर जाती है, उनसे पूछताछ करती है, क्या उसके बाद पुलिस ने जांच की है या नहीं की है? क्या पुलिस ने उन लड़कों में से किसी पर कोई धारा लगाई है, कोई मुकदमा दायर किया है या नहीं किया है? यह खुद में बड़ा सवाल है और मेरठ पुलिस से यह सवाल पूछा भी जाना चाहिए। लेकिन अभी तक ना तो कोई ट्वीट सामने आया है, ना कोई खबर सामने आई है कि धर्म के आधार पर इस पूरे मामले को जोड़ना और इस पूरे मामले में धर्मांतरण का एंगल निकालने वाले, इन लड़कों के खिलाफ माहौल बिगाड़ने वाले, इन लड़कों के खिलाफ, इन छात्रों के खिलाफ पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई की गई हो, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है और ना ही मेरठ पुलिस का कोई ट्वीट सामने आया है कि इन लड़कों पर ये धाराएं लगाई गई और इनको अरेस्ट किया गया या फिर इनकी जांच जारी है और इन लड़कों को पुलिस तलाश कर रही है, ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।